आइए अब एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें एक एपी गिवन है जिसकी सेकेंड और सिक्स्थ टर्म भी गिवन है और कुछ टर्म मिसिंग है, हमें उन्हें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें कौन कौन क्या गिवन है। हमें सेकेंड टर्म गिवन है यानी ए टू गिवन है 38 और हमें सिक्स्थ टर्म यानी ए सिक्स गिवन है -22। और ए टू को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी इक्वल 38 और ये है इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और ए सिक्स को हम लिख सकते हैं ए प्लस 5D -22, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जिससे कि ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है ए प्लस 5D, उसमें से हम a प्लस डी सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट हैंड साइड में से हम राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे -22 -38 यानी ये होगा a प्लस 5D माइनस ए माइनस डी -60 माइनस ए से प्लस ए कैंसिल कर सकते हैं तो बचेगा 4D -60 और d इज इक्वल्स टू 15। तो d की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -50। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर पाए। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है a प्लस d इक्वल्स टू 38, ए और डी है -15 इक्वल्स टू 38, इसका मतलब ए की वैल्यू है 53। और अब हम देखते हैं हमें कौन कौन सी टर्म्स कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट टर्म जो कि हम कर चुके हैं, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो इस एपी की जो थर्ड टर्म होगी वो होगी a3 और a3 हम जानते होती a प्लस 2d यानी a की वैल्यू है 53 प्लस 2 और डी की वैल्यू जो है वो है -15। 53 -30 यानी 23। तो इस एपी की जो थर्ड टर्म है वो है 23। और अब हम इस एपी की फोर्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d, a की वैल्यू है 53 प्लस 3 और d की वैल्यू है -50 यानी ये वैल्यू होगी 53 -45 यानी 8। तो जो फोर्थ टर्म है वो हमने कैलकुलेट की है 8। और अब हम इस एपी की फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ टर्म होती है a प्लस 4d, a की वैल्यू है 53 और डी की वैल्यू है -50 यानी ये होगा 53 -60 यानी -7। तो इसकी जो फिफ्थ टर्म हमने कैलकुलेट की है वो है -7। अब हम इन ब्लैंक बॉक्सेस में इजीली भर सकते हैं। ये है -7, ये है -8 पॉजिटिव 8 और ये है +23 और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 53। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।